ये कटलेट्स इसलिए भी बहुत खास हैं क्योंकि हमने इनको बचे हुए चावल से बनाया है, जिनके कि अक्सर हम फ्राइड राइस बना लेते हैं, और ये इतने क्रंची बने हैं और इतने परफेक्ट बनते हैं, और टेस्ट में तो इनका कोई जवाब नहीं। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज किचन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं बचे हुए चावल से इन कटलेट्स को बहुत ही आसानी से घर में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कुक्ड राइस हैं, बचे हुए चावल हैं, तो रात के मैंने बनाए थे, तो अब मैं इनके कटलेट्स बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रेश चावल को भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें इनको यहाँ पर ब्लेंड करना है। अगर चावल सॉफ्ट है तो आप हाथों से भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंडर में डाल के इसको मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है और इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए, फाइन पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें बनाना है, और अब हम इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फ्री बाउल लिया है, इसमें मैं सारे के सारे बटर को इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं, तो इनको ग्रेट भी कर सकते हो, मैश भी कर सकते हो। यहाँ पर हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा ले रहे हैं फ्रोज़न कॉर्न्स, इनको पानी में डाल दें तो सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन को बहुत ही पतला काटा है, अगर लहसुन नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इधर मैंने 4 ब्रेड्स ली हैं, फ्रेश ब्रेड्स हैं, ब्राउन ब्रेड्स हैं, तो इनको हम पानी में स्क्वीज़ करके इसके अंदर मिलाएंगे। तो मैं तो इसके बॉर्डर्स नहीं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि फ्रेश ब्रेड है। अगर आपकी ब्रेड 1 से 2 दिन पुरानी है तो आप इसमें बॉर्डर रिमूव कर सकते हो, और अगर ज़्यादा टाइट नहीं है तो भी चलेगा। तो इस तरह से स्क्वीज़ करके आप इसमें ऐसे डालें, तो फ्रेश ब्रेड है, बहुत जल्दी स्क्वीज़ हो जाती है। ये देखिए, हल्का सा ही पानी लगाएं और इसको पूरा निचोड़ के इसमें ऐसे डाल दें। तो ब्रेड के साइज़ पर भी डिपेंड करता है, ब्रेड बहुत बड़ी है तो 2 या 3 भी ले सकते हो, छोटी है तो 4 या 5 भी ब्रेड ले सकते हो। तो ये देखिए, मैंने 4 ब्रेड स्लाइस ली हैं, ये सारी मैंने डाल दी। अब इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। तो जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है उसको मैंने पतला पतला काटा है, आप यहाँ पर हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप रेड चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो। अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर डाला है थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, आप अपने हिसाब से भी मसाले ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो यहाँ पर डाल रहे हैं ओरिगैनो सीजनिंग, इसकी जगह मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में डाल रहे हैं थोड़ा सा चाट मसाला। तो इससे काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे कटलेट्स के लिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए इसमें। ये देखिए, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अच्छा सा हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। बस अब अपने हाथों को ग्रीस करेंगे और हम कटलेट्स बनाएंगे सारे। तो ये देखिए, हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है, और अब हमने अपने हिसाब से आप लीजिए, अगर आपको टिक्की शेप देना है तो आप टिक्की भी कर सकते हो, या फिर मैं तो जैसे इसमें ओवल शेप दे रही हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी, सांचों से भी आप बना सकते हो, जैसे हार्ट शेप दे देते हैं या स्टार शेप। ये देखिए, मैंने कुछ ऐसा तैयार किया है, और इतने बैटर से ये इतने सारे कटलेट्स बन के तैयार हुए हैं। तो आप इनको चाहे, अगर गेस्ट आने वाले हैं तो 2 घंटे पहले भी बनाकर इनको फ्रिज में रख सकते हो, और एट अ टाइम आप इनको कुक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको हॉट किया है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, या आप एयर फ्रायर भी में भी इसको कर सकते हो। तो देखिए, जैसे नॉर्मल पैन है तो थोड़ा स्टिक हो जाते हैं, तो मैं स्पून की मदद से इनको हटा रही हूँ ऐसे। अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हो तो वो एकदम से हट जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये देखिए, तो फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम ही रखेंगे और इनको चारों ओर से प्रॉपर फ्राई करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अभी स्मूथ हो गए हैं चारों ओर से, तो हम इनको स्पैटुला से इनको टर्न करते जाएंगे और एक अच्छा सा इनको एक कलर देंगे, जिससे कि क्रिस्पी लगेंगे और ब्राउनिश लगेंगे। ये देखिए, काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं और ब्राउनिश भी हो गए हैं। बस अब हम यहाँ पर इनको उतार लेंगे और बाकी के भी अपने कटलेट्स ऐसे ही तल लेंगे। तो अब जैसे चावल बचते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि फटाफट से फ्राई कर देते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। आप अपने हिसाब से भी इसमें सब्जियाँ ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी मौसम की सब्जियाँ आपके पास पड़ी हों, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं होप करूँगी कि अगर अब से आपके घर में चावल बचते हैं तो आप इसी तरह से कटलेट्स बनाएंगे, और इसको आप किटी पार्टीज़ में, बर्थडेज़ में कभी भी आप इसको इन्जॉय कर सकते हो, और बच्चे तो उसको बहुत पसंद करेंगे। देखिए, और अंदर से भी ये देखिए कितना परफेक्ट बनता है। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है बचे हुए चावलों की, तो ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, और अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में।
और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अपलोड करती हूँ। और यस, हमेशा की तरह एक बात कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि माना ज़िंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं। जी हाँ, पॉजिटिविटी के साथ फिट रहें, हेल्दी रहें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।